अरे पूरी बात क्या हुई, ठीक से बताओ नवीना। जाने दो नवीना, पंडित जी के काम से जुड़ी बात है, जानकर हम क्या करेंगे। अरे क्यों नहीं जानेंगे हम, बता वीना क्या हुआ आगे। अरे माता जी, वो तो अच्छा हुआ पंडित जी ने इतना झाड़ा कि बस मुंह बंद हो गया, चुप रह गए। बस कीजिए वीना, हद होती है हर बात। और दादी आप भी, जो बात खत्म हो गई उसको भूल जाइए ना। लल्ला, अरे लल्ला सुनो तो। लल्ला क्यों इतना चिड़चिड़ा रहा है। हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। देखिए हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, गलती हमसे हुई है, हम मान रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको क्या लगता है, आपके मान लेने से या सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बहुत आसान होगा आपके लिए, एक सॉरी बोल दी और बस बात खत्म। आपकी बेवकूफी की वजह से जानते हैं कितनी इंसल्ट हुई हमारे पापा की। उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उनका चेहरा पढ़ सकते थे। हम जानते हैं और उसी बात की माफी मांगना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं हम। जी नहीं, कुछ चीजों की माफी नहीं होती। अगर आप हमें कुछ कह देते या आपकी बाबूजी हमें कुछ सुना देते तो शायद हम आपको माफ कर देते, लेकिन हमारे पापा। आप प्लीज जाइए यहां से। हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे हम यहीं खड़े रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, खड़े रहिए फिर। अरे सुनिए, ये बात याद कर लीजिएगा कि हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले, जब तक आप हमें माफ नहीं कर देती हम यहीं खड़े रहेंगे, हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले। दीदी उसकी इतनी गलती भी नहीं है, वो आया था और उसने रोकने की भी कोशिश। बस कर बिट्टन, हमें नहीं सुनना कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, हमें बस इतना पता है कि आज उसकी वजह से हमारे पापा को भला बुरा सुना पड़ा है। लेकिन दीदी वो अभी भी खड़ा है, वो भी इतनी तपती धूप में। खड़े रहने दे उसे, थककर अपने आप चला जाएगा। क्यों खड़े हैं इतनी तपती धूप में, इसी तरह खड़े रहे तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, बस कीजिए अब। नहीं बेटन, अब चाहे ओले गिरे या बारिश आए हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
जब तक तुम्हारी दीदी हमें माफ नहीं कर देती हम यहीं खड़े रहेंगे। एक तरफ आप है जो हिलने को तैयार नहीं है और उधर हमारी दीदी जो तस से मस नहीं हो रही। कितने जिद्दी हैं आप दोनों। अब चाहे तुम इसे कुछ भी समझो, हमारी जिद या तुम्हारी दीदी का दिल दुखाने की सजा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन देख लेना कहीं ये सजा आपको भारी ना पड़ जाए। हम चलते हैं। जाओ जाओ बिटन, जरा जाके अपनी बहन को बताओ कि यहाँ बंदा कैसे इतनी चिलचिलाती धूप में खड़ा है, और वो भी सिर्फ उनके लिए। और लहर जी, आप भी जरा जल्दी मान जाओ, वरना हमारे पास भी हर मर्ज की दवा है।